अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं सरफराज बेग और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अपने चैनल में मैं बरसगीर पाक हिंद के फिल्मी सितारों के बारे में बात करता हूं, डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स के बारे में बात करता हूं, म्यूजिशियंस और डांसर्स के बारे में बात करता हूं और ऐसे तमाम लोगों के बारे में बात करता हूं जिनका ताल्लुक किसी न किस तरीके से बरसगीर पाक हिंद की फिल्मी दुनिया से है। ये सिलसिला मैंने 1913 से शुरू किया था और अब तक मैं 1947 तक पहुंचा हूं और ये सिलसिला इसी तरह आगे चलेगा। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे हौसला अफजाई हो। आज जिस फिल्मी शख्सियत के बारे में मैं आपसे बात करने जा रहा हूं, उनका नाम है चंद्रशेखर वेदिया, लेकिन आपका फिल्मी नाम चंद्रशेखर है। आप 7 जुलाई 1922 को हैदराबाद स्टेट ब्रिटिश इंडिया में पैदा हुए, 7 जुलाई 1922, और आप 16 जून 2021 को बॉम्बे में फौत हुए, 16 जून 2021। आपकी उम्र 98 साल थी, आप 98 ईयर्स ओल्ड थे जब आप फौत हुए। पेशे के अतबार से आप फिल्म एक्टर थे और फिल्म मेकर थे। आपका फिल्मी कैरियर 1947 से लेकर 2000 तक मोहित है। आपने एक लंबे अरसे तक फिल्मी दुनिया में कदम जमाए रखे और उसके अलावा आपने टीवी सीरियल रामायणा में भी काम किया। आपकी इब्तदाई जिंदगी के बारे में ऐसे है कि आप हैदराबाद में पैदा हुए और आपको कॉलेज से निकाल दिया गया, उसके बाद आप बॉम्बे आ गए। ये 47 का दौर है। आपने यूके से वेस्टर्न डांस का डिप्लोमा हासिल किया। आपके फिल्मी कैरियर का आगाज कुछ ऐसे होता है कि शमशाद बेगम ने, जो कि बहुत बड़ी गायिका थी, उन्होंने आपको रिकमेंड किया और इस तरह आपको पहली जो नौकरी मिली शालीमार स्टूडियो में 1948 में, और उसके बाद एज ए जूनियर आर्टिस्ट आपको फिल्मों में काम मिलने लगा। बेबस में भारत भूषण के साथ आप आए और उसके बाद निर्दोषी, दाग, फरमाइश, इस तरह की फिल्में आप करते रहे। आप कमोबेश 250 फिल्मों में आए और एज ए हीरो आपकी पहली फिल्म थी औरत तेरी ये कहानी, जो 1954 में रिलीज हुई। उसके बाद सुरंग में भी आपने एक अहम किरदार अदा किया। ये फिल्म वी शांताराम ने प्रोड्यूस की। उसके बाद आप सपोर्टिंग रोल प्ले करने लगे, सपोर्टिंग एक्टर के तौर पे आपकी फिल्में फैशन, बरसात की रात, बात एक रात की, रुस्तम बगदाद, इस तरह की फिल्में बेशुमार फिल्में हैं। आप प्रोड्यूसर और डायरेक्टर भी रहे और आपने एक ही फिल्म डायरेक्ट की जो कि म्यूजिकल फिल्म थी चाचा चाचा, और उसके अलावा आपने जो फिल्में डायरेक्ट की उसमें स्ट्रीट सिंगर भी शामिल है। चंद्रशेखर ने जिन फिल्मों में लीड रोल प्ले किए वो सुरंग, कवि, मस्ताना, बारादरी है, और 1968 के बाद सपोर्टिंग रोल प्ले करने लगे। 1971 से लेकर 1987 तक आपने बेशुमार कैरेक्टर रोल प्ले किए और आपने 200 से ज्यादा फिल्मों में काम किया। उसके बाद आपने कुछ अरसे के लिए असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पे काम किया। आपने गुलजार को असिस्ट किया और उनके साथ जो फिल्में असिस्ट की हुआ है, परिचय, कोशिश, अचानक, आंधी। आपने रामानंद सागर की टीवी सीरियल रामायणा में 65 साल की उम्र में सुमंत का, आर्या सुमंत का किरदार अदा किया, जिसमें दशरथा आप बनते हैं। उसके बाद आपने कुछ और टीवी प्लेज में काम किया। इसके अलावा आप सिंटा के प्रेसिडेंट थे। सिंटा का मतलब है सिने आर्टिस्ट एसोसिएशन, इसके आप प्रेसिडेंट रहे 1985 से लेकर 1996 तक। सन 2000 में आपने इस इदारे से रिटायरमेंट ले ली और इसी साल आपने अपनी 78 ईयर ओल्ड थे जब आप अपनी फिल्म खौफ में काम किया। आपकी जाती जिंदगी के बारे में कुछ ऐसा है कि आपके बेटे अशोक शेखर टीवी के बहुत बड़े और जाने माने प्रोड्यूसर हैं और इन्हीं के बेटे शक्ति अरोड़ा फिल्मी अदाकार है, शक्ति अरोड़ा चंद्रशेखर के ग्रैंडसन है। अब आते हैं आपकी फिल्म की तरफ, जिन फिल्म में आपने काम किया। आपकी पहली फिल्म थी आरसी
1947 में रिलीज हुई। इसमें आपका छोटा सा किरदार था। 1949 में आपने फिल्म अपना देश में काम किया। 1950 में आपने फिल्म बेबस में काम किया। 1951 में आपने फिल्म एक था लड़का में काम किया। 1952 में आपने फिल्म दाग में काम किया। 1953 में आपने तीन फिल्में की, फरमाइश, पतीता, सुरंग। सुरंग आपकी फिल्म एज ए हीरो थी। 1954 में आपने चार फिल्में की, औरत तेरी ये कहानी, कवि, मस्ताना, मीनार। 1955 में आपने चार फिल्में की, बारादरी, सनफ अली बाबा, तातार का चोर, तीरंदाज। 1956 में आपने जिन फिल्मों में काम किया उनके नाम कुछ ऐसे हैं, बादशाह सलामत, बजरंग बली, बसंत बहार, बसरे की हूर, मलिका, मिस्टर चक्रम, पन्ना, पासिंग शू, रूप कुमारी, जिंदगी के मेले। 1957 में जिन फिल्मों में आपने काम किया उनके नाम कुछ ऐसे हैं, चमक चांदनी, फैशन, गेटवे ऑफ इंडिया, खुदा का बंदा, लक्ष्मी, परिस्तान। 1958 में आपने छह फिल्मों में काम किया और इन फिल्मों के नाम कुछ ऐसे हैं, बागी सिपाही, भला आदमी, जंग बहादुर, राज सिंहासन या राज सिंहासन, सच का बोलबाला, टैक्सी स्टैंड। 1959 में आपने दो फिल्में की, जग्गा डाकू, काली टोपी लाल रुमाल। 1960 में आपने चार फिल्मों में काम किया, उनके नाम कुछ ऐसे हैं, अंगुली माल, बरसात की रात, नाचे नागन बाजे बीन, शान हिंद। 1961 में आपने दो फिल्में की, सपने सुहाने, तेल मालिश बूट पॉलिश। 1962 में आपने चार फिल्मों में काम किया, बात एक रात की, गंगू, किंग कॉन्ग, माल रोड। 1963 में आपने तीन फिल्में की, आवारा अब्दुल्ला, प्यार किया तो डरना क्या, रुस्तम में बगदाद। 1964 में आपने चार फिल्में की, बिरजू उस्ताद, चा 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 चा, दूज का चांद, जहां आरा। 1965 में आपने फिल्म हम दीवाने में काम किया। 1966 में आपने तीन फिल्में की, अजनबी, चले हैं ससुराल, स्ट्रीट सिंगर। ये फिल्म आपने डायरेक्ट भी की। 1967 में आपने सरदार फिल्म में काम किया। 1968 में आपने फिल्म कन्यादान में काम किया। 1969 में आपने फिल्म बदमाश में काम किया। 1970 में आपने फिल्म दगाबाज में काम किया। 1971 में आपने दो फिल्में की, हलचल, कटी पतंग। 1972 में आपने कई फिल्मों में काम किया, हम तुम और वो, जेजवाला, जंगल में मंगल, मंगेतर, मुनीम जी, पुतली बाई, सजा। 1973 में आपने पांच फिल्में की, अनामिका, धर्मा, गहरी चाल, नफरत, सबक। 1974 में आपने कई फिल्मों में काम किया और इनके नाम कुछ ऐसे हैं, अजनबी, अपराधी, चरित्र राहें, चट्टान सिंह, दो चट्टाने, दो फूल, जब अंधेरा होता है, जीवन रेखा, वरदान। 1975 में आपने पांच फिल्मों में काम किया, आवारा लड़की, दफा 302, मुट्ठी भर चावल, रंगा खुश, सन्यासी। 1976 में आपने इसी तरह कई फिल्मों में काम किया, हरफन मोला, कसम, महबूबा, नूरे इलाही, सबसे बड़ा रुपया, शंकर दादा, यारी जिंदाबाद। 1977 में इसी तरह आपने कई फिल्मों में काम किया। आज के ये घर, चलो चालू मेरा नाम, दुनियादारी, गायत्री माहिमा, हीरा और पत्थर, खेल किस्मत का, लड़की जवान हो गई, पलकों की छांव में। 1978 में आपने पांच फिल्मों में काम किया, अंजाम, अनपढ़, अपना खून,
दो मुसाफिर, कर्म योगी, खून की पुकार, फूल खिले हैं गुलचन गुलचन, साजन बिना सुहागन, संपूर्णा संदर्शन। 1979 में आपने चार फिल्में की, आत्माराम, भयानक, गुरु हो जा शुरू, द ग्रेट कैमलर 1980 में आपने जिन फिल्मों में काम किया उनके नाम कुछ ऐसे हैं, आखिरी इंसाफ, बेकसूर, भारत की संतान, मोर्चा, नजराना प्यार का, टैक्सी चोर। 1981 में आपने कई फिल्मों में काम किया और इनके नाम कुछ ऐसे हैं, बरसात की एक रात, फर्ज और प्यार, गमंडी, गुरु सुलेमान, चेला पहलवान, खुदा कसम, लापरवाह, मान गए उस्ताद, मेरा सलाम, शाका। 1982 में जिन फिल्मों में आपने काम किया उनके नाम कुछ ऐसे हैं, डायल 100, डिस्को डांसर, गुल बकाउली, नमक हलाल, निकाह, शक्ति, सिस्टर, संबंध। 1983 में आपने तीन फिल्में की, बंधन कच्चे दागों का, कूली, रचना, आज की आवाज। 1984 में आपने कई फिल्मों में काम किया उनके नाम कुछ ऐसे हैं, हमदम, जॉन जॉनी जनार्थन, राजा और राणा, शराबी, ये देश, अलग अलग। 1985 में आपने कई फिल्मों में काम किया और इनके नाम कुछ ऐसे हैं, बंधन अनजाना, चार महारथी, हकीकत, इंसाफ मैं करूंगा, राम तेरे कितने नाम, सलमा, जुल्म का बदला। 1986 में आपने फिल्म अल्लाह रखा में काम किया। 1987 में आपने कई फिल्में की, 7 साल बाद, अवाम, डांस डांस, हिरासत, ईमानदार, इंसानियत के दुश्मन, नामो निशान, प्यार करके देखो, संसार, सीतापुर की गीता। 1988 में आपने इसी तरह की फिल्में की, आखिरी मुकाबला, अनोखा चमत्कार, गंगा जमुना सरस्वती, घर वाली बाहर वाली, खतरों के खिलाड़ी, प्यासी आत्मा, शुक्रिया, तमाचा। 1989 में आपने जिन फिल्मों में काम किया उनके नाम कुछ ऐसे हैं, क्लर्क, दाव पेच, काला बाजार, कसम सुहाग की, लव लव लव, तूफान, त्रिदेव। 1990 में आपने जिन फिल्मों में काम किया उनके नाम कुछ ऐसे हैं, घर हो तो ऐसा, गुनाहों का देवता, जवानी जिंदाबाद, क्रोध, मेरा पति सिर्फ मेरा है, न्याय अन्याय, शिवा, जख्मी जमीन। 1991 में जो फिल्में आपने की इनके नाम कुछ ऐसे हैं, दुश्मन देवता, इंसाफ का खून, मजबूर लड़की, मौत की सजा, नाचने वाले गाने वाले, प्रतिकार, स्वर्ग जैसा घर, त्रिनेत्रा। 1992 में जिन फिल्मों में आपने काम किया उनके नाम कुछ ऐसे हैं, हम शक्ल, नसीब वाला, कैद में है बुलबुल। 1993 में आपने पांच फिल्में की, बेगुनाह, गुरुदेव, जीना नहीं तेरे बिना, मेरी आन, प्रतीक्षा। 1994 में आपने दो फिल्में की, घर की इज्जत, पथरीला रास्ता। 1995 में आपने दो फिल्में की, जन्म कुंडली, काला सच। 1996 में आपने दो फिल्में की, लोफर, परम कर्तव्य। 1997 में आपने तीन फिल्में की, दिल के झरोके में, गंगा मांगे खून, कहर या कहर। 1999 में आपने दो फिल्में की, अमृता, चंबल की किस्म। सन 2000 में आपने तीन फिल्में की, जय ज्वाला माँ,
काली टोपी लाल रुमाल खौफ, और इसके बाद दो फिल्में और भी आपने की एज ए गेस्ट आर्टिस्ट, जख्मी शेरनी 2001 में की और जीवन यात्रा 2007 में की 2007 में। ये था एक मुख्तसर सा तारुफ माजी के पुराने अदाकार चंद्रशेखर के बारे में। वीडियो का अख्तिताम करने से पहले मैं आपसे एक दफा फिर कहूंगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत शुक्रिया।